जो इतना आप बिजनेस बिजनेस बात करते रहते हो, सच बताओ कितने हैं? देखो एक्चुअली 9 है. ओह फक. व्हिच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ऐसा नहीं, जैसे फूड ट्रक एक हो गया. सो यू आर नॉट जस्ट अ यूट्यूबर. यस आई एम एन एंटरप्रेन्योर टू. स्पेलिंग मत पूछ अभी. समझ ले. यार बट मेरा ऐसा चीज़ है ना कि मेरे को ये शो ऑफ करना नहीं आता, या फिर ऐसा शो ऑफ नहीं बोल सकते उसको. बट जैसे एक बताता हूँ कि समझ लो कि तुमने, मैंने बोला कि यार निक वॉचेस बना रहा है, यार निक वॉचेस बना रहा है, तुमने निक का वॉच लिया और फिर अच्छा नहीं निकला, एक डॉट टट्टी है, मेरा पूरा क्रेडिबिलिटी गया. मुझे ऐसा करना है ना कि तुम, मैं अगर कल तुमको बोल दूँ अरे जी तुम 4 साल से वापर रहे हो ना वॉच, ये मेरी है, अरे यार ये निक की है, वो तो कंपनी में दम होनी चाहिए. करेक्ट. Irrespective of the fact that I'm promoting, कि मैं तो एक जरिया हूँ सिर्फ, उसमें क्या है, मेरे थ्रू क्या थोड़े अमाउंट ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, बट कंपनी सस्टेन कब करेगी, जब वो अच्छा करती है. तो मेरे लिए वो पहले इंपॉर्टेंट है कि वो कंपनी अच्छा करे, फिर मैं शायद बताऊँ कि हाँ देखो ये जो तू बाइक चला रहा है वो मेरा है. वैसे तो ये कैप का बहुत शौक है, कैप की कंपनी है क्या? नहीं नहीं से थोड़े उठाता हूँ. तो वो $45 वाला भी उठाया रहेगा जो इस पे ऐसा कुछ तो लिखा रहता था, मस्त वाला जो US अमेरिका का एक फेमस है ना, क्या नाम है, उधर ना एक फनी चीज़ है कि मैं एले गया था एक बार, सिर्फ टोपी की दुकान थी, मैंने बॉय ये तो मेरा ज्यादा है ब्रो, तो ओके व्हाट साइज, मैंने व्हाट साइज, मैं लाइक क्या, तो हमको भी तो ऐसे लगा ना, बाद में मेरे को समझा कि मैं 7 1/2 हूँ. क्या ऐसा उधर उधर सब लिखा रहता है, इधर नहीं है वो, ये वो कैप नहीं है, बट उसमें लिखा रहता है हर कैप, ऐसा कैप बनाऊंगा मैं, 7 1/2 है तू याद रख. ये टी शर्ट और जैकेट का कंपनी ये है, क्या है इसका मतलब? क्रा, दिस मींस पब. तो ये एक बाहर का ब्रांड है जो अभी इंडिया में आया है और जिसका फेस और क्रिएटिव हेड मैं हूँ. क्या तो बात कर रहे हो? मैं मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, मैं 1 साल से इस पे काम कर रहा हूँ, ये ऐसा रहना चाहिए, ये मैंने बताया. हाँ. ये ऐसा होना चाहिए. मैंने एक एक बनाया जो यहाँ से यहाँ तक स्लीवलेस है, वो तो स्टाइल भी है, जो मेरा स्टाइल है एक्चुअली. तो उसका हर एक कपड़ा ना कि इंडिया में क्या आना चाहिए सब मैंने बताया. आई एम नॉट सेइंग मैं डिजाइन किया है, बट दो चार लॉट मैंने भगा दिए कि यार ये नहीं चलेगा यहाँ पे, और बहुत बेहतरीन है. क्रा वेबसाइट जाके देखो, दिस इज kra.com इज द वेबसाइट. वो ना जो तुम, जो मेरा जो स्टाइल है ना एक्चुअली, मैं मेरे को ना कपड़े का बहुत शौक है और मैं बहुत बहुत महंगे कपड़े पहनता हूँ, और एक ही शौक है यार, मैं बोला गाड़ी नहीं कुछ नहीं, चाय टपरी का, चाय रस्ते का, वड़ा पाव, वो सब चल जाता है, लेकिन कपड़े का मेरे को बहुत शौक है. करेक्ट. तो अपना एसेंशियल का हुडी, टॉम फोर्ड का टी शर्ट सब मैं पहनता हूँ. तो मैं बोला कि अगर इफ़ आई एम टाइंग अप विद समवन, इफ़ आई एम गेटिंग देम इन इंडिया, तो इट बेटर बी दैट गुड कि मेरे को और कुछ पहनने की जरूरत ना पड़े. करेक्ट. तो इफ़ यू गेट इट, लाइक आई एम गोना, आई डोंट नो इफ आई हैव इट राइट नाउ, आज नहीं तो आई एम गोना सेंड इट टू यू, यू जस्ट चेक इट आउट, काफ़ी नीट है, नीट बहुत अच्छा, मतलब आई गॉन्ट टू अ पार्टी वेयरिंग इट, जहाँ पे सब लोग वो ये थे कि जो शूज वीज डालते ये सब डालते ना, द बेस्ट dress that day, wearing a 1600 hoodie of a Kra. 1600 hoodie for a Kra. ठीक है, this is 700. हाँ. And मैं merch नहीं बनाता bro. This is not my thing. मैं अपना शक्ल नहीं डाल सकता t-shirt पे bro. This is not me. But ये जो label है ना, ये तुम if you wear this, if you, I'm saying it out of passion, because I've sat on it for a year. Correct. के Kra is gonna be the biggest brand in India. मैं इतना पढ़ता तो अभी इधर नहीं होता.